आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर नोएडा के सेक्टर 24 से है, जहां देर रात नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि दो बाइक सवार बदमाश किसी वारदात के फिराक में घूम रहे थे। उसी दौरान चेकिंग के लिए खड़ी पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बताया कि हाल ही में सेक्टर 53 में एटीएम लूट के मामले में दोनों बदमाशों को धर दबोचा था, जिनकी तलाश लंबे समय से थी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एटीएम संबंधी कुछ घटनाएं इस एनसीआर क्षेत्र में हुई है, उसको लेकर के कल रात्रि में हम लोगों ने इंटेंसिव अभियान चलाया था, चेकिंग अभियान। इसमें सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एक चेकिंग चल रही थी, वहाँ पे एक जो आरटीओ कार्यालय है उसके आसपास के चेकिंग में दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे थे और लेट नाइट में थे, लगभग ये 3:30-3:30 बजे की घटना है। उसको रोका गया, वो भागा और भागने के बाद जब पुलिस ने चेस किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, उसमें जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और उसकी जो बाइक थी वो वहाँ गिरी पड़ी थी, उससे बाइक रिकवर हुआ है, बाइक उसी की थी, उसमें एक व्यक्ति वहाँ से भागा। भागने के बाद जो हमारी टीम थी उन लोगों ने उसको चेस किया, कॉमिंग में वो पकड़ा गया। जो व्यक्ति घायल था उसका नाम असलम है और वो यहाँ सेक्टर 24 क्षेत्र में ही गिझौड़ चौकी के पास एक एटीएम की लूट हुई थी। ये बेसिकली उसने उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसके साथ इसमें से 3-4 लोग और थे। जो दूसरा व्यक्ति था साबू, वो भी उस घटना में था और उससे हम लोगों ने पूछताछ की, उसके पोजीशन से 10,000 रुपये रिकवर हुए और उसने जब बताया कि जो एटीएम है से ले गए थे, उसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने तोड़ने के समय कहीं फेंका हुआ है, उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने एक्सप्रेसवे के आसपास से वो एटीएम का पोर्शन बरामद किया है, 10,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं और जो असलम घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, उसके पोजीशन से भी 15,000 रुपये।